और इस वक्त बहुत ही मजा आ रहा है यहाँ पे इस हाइट पे खड़े रह के, जो व्यू मैं यहाँ से देख रहा हूँ, जो मौसम को महसूस कर रहा हूँ आपके साथ में, ये बड़ा मजेदार है। ये मतलब बहुत रेयरली मिलता है अक्सर, और नागपुर में तो बहुत मुश्किल है। और नागपुर में जो मेहरबानी हुई है खुदा की, उसका एहसान है कि बहुत अच्छा मौसम यहाँ पे एंजॉय करने मिल रहा है। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एनएन टीवी। मैं मोहम्मद शहजाद, आपका होस्ट, आपका दोस्त, एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं एनएन टीवी के इस नए ब्लॉग पे। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, पूरा कोहरा नागपुर शहर के अतराफ में छाया हुआ है और एक खूबसूरत मंजर आपके लिए एनएन टीवी लाया है। तो गाइस, बहुत मज़ा आने वाला है। नागपुर की ठंडी आपको लगातार एनएन टीवी दिखा रहा है। हम आपको कैमरे के हर एंगल से दिखाने की कोशिश करेंगे। और आप कहाँ से हमारे साथ जुड़े हैं, कमेंट बॉक्स में सभी के नाम लेने की भी हम पूरी कोशिश करेंगे। तो ये खूबसूरत मंजर और फॉग से भरा हुआ, कोहरे से, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, और सबसे पहले आपके सभी व्यूवर्स का स्वागत करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, और आपके साथ जो मैं यहाँ मौसम को एंजॉय कर रहा हूँ। तो जैसे कि लोग बोलते हैं नागपुर बहुत गर्म है, नागपुर के लोग गर्म है, लेकिन आज अगर वो यहाँ से अंदाजा करेंगे तो उनको मालूम पड़ेगा कि नागपुर में कितना कूल माहौल है। और देखिए इतनी खूबसूरती यहाँ पे कुदरत ने आज बिछा दी है, तो इसका अंदाजा लगाना जरा मुश्किल है। जो लोग आज यहाँ मौजूद है वो इसको महसूस कर सकते हैं कि क्या फीलिंग यहाँ पे आ रही है। अच्छा रिजवान जी साहब, बहुत सारे हमारे जो दर्शक हैं जी 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 वो कंफ्यूज है। किस बात पे? जो एरिया हमने अभी लाइव किया है जी हाँ ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, जी हाँ और लोग समझ नहीं पा रहे कि हम कहाँ से लाइव कर रहे हैं। और हमने अभी तक सरप्राइज रखा है, और हम उसको वीडियो के एंड तक कोशिश करेंगे जी हाँ सरप्राइज रखने की। हाँ इसी बीच में पहले कुछ नाम ले लूं, जी मेहताब मलिक साहब हमारे साथ जुड़े हैं, सलीम गोचे वाले हमारे साथ जुड़े हैं कामटी से। मेहताब मलिक साहब वालेकुम सलाम सलाम लिख रहे हैं। तो व्यूअर्स आप शेयर करें जी, कंटिन्यू, आप मौसम के बारे में हमारे व्यूअर्स को कुछ बता रहे थे रिजवान साहब। हाँ तो देखिए ये जो इस वक्त मौसम चल रहा है, मुझे हकीकत में इस वक्त नैनीताल और क्या नाम है आपका, ये जो कश्मीर कश्मीर, कश्मीर की वाली फीलिंग आ रही है, और इस वक्त बहुत ही मजा आ रहा है यहाँ पे इस हाइट पे खड़े रह के, जो व्यू मैं यहाँ से देख रहा हूँ, जो मौसम को महसूस कर रहा हूँ आपके साथ में, ये बड़ा मजेदार है। ये मतलब बहुत रेयरली मिलता है अक्सर, और नागपुर में तो बहुत मुश्किल है। और नागपुर में जो मेहरबानी हुई है खुदा की, उसका एहसान है कि बहुत अच्छा मौसम यहाँ पे एंजॉय करने मिल रहा है। अच्छा, जो महाराष्ट्र में ये ठंडी अचानक से बढ़ी है, तो जी इसमें बहुत सारी स्कूलों में स्टूडेंट कम हो गए होंगे, जी हाँ क्योंकि बच्चे जो है वो छुट्टी मार लेते जी हैं, हाँ जी हाँ जी उठते नहीं है। जी हाँ तो ऐसे टाइम बच्चों की जो माएं हैं, जी जो लेडीज है घरों की, जी वो भी घरों में रजाई में बिल्कुल दबी हैं, तो क्या आप उनको ये सजेस्ट करना चाहेंगे कि बाहर निकल के मौसम का आनंद लिया जाए? बिल्कुल बिल्कुल उनके लिए जो लेडीज है घरों में, उनके लिए जी कोई हाँ। मैसेज? देखिए सिर्फ लेडीज के लिए नहीं है, उनके जो हस्बैंड्स है, उनके जो गार्जियंस है, जो भी उनके भाई है, उनके भी ये फर्ज है। वो देखिए वो खुद चाह के तो नहीं निकल सकती, ठीक है, पारिवारिक वो लेडीज है वो सारी, तो उनके साथ में उनके हस्बैंड्स को भी बोलना चाहूंगा कि वो खुद लेके निकले। जैसे कि हम 2 दिन से कंटिन्यू रोज निकल रहे हैं रात में, अच्छा, आप और भी अपनी फैमिली को जी घुमा हाँ रहे हैं क्या? इंशाल्लाह आज भी हम निकलेंगे। तो मैं सभी हस्बैंड और सभी जितने भी भाई बहन है, जो भी जिस भी रास्ते से जुड़े हैं, वो लेडीज को लेकर निकले बाहर, उनको मौसम का एंजॉय कराएं। और आप यकीन नहीं करेंगे, मैं 2 दिन से रोज मेट्रो में घूम रहा हूँ अच्छा, और मेट्रो में भी आपने फैमिली के सफर साथ, किया है क्या? तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है नागपुर में। मुझे उम्मीद कम थी कि मेट्रो इतनी जल्दी और इतनी ज्यादा सक्सेस रहेगी, मगर बहुत में भी, और जो रोज रात का जो मजा है, स्पेशली हम VNIT जा रहे हैं भुट्टा खाने के लिए, अरे क्या बात तो है, काफी मतलब अलग मजा है नागपुर का। इस वक्त जो लोग मजा कर लेंगे तो वो कर लेंगे, बाद में सिर्फ यादें रह जाएंगी उनके लिए। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि बाहर निकलें और मौसम का मजा लें। अच्छा। और एक बात है, जो हिसाब का मौसम है, जी जो हमारे भाई लोग हैं छोटी दुकानें लगाते हैं रेवड़ी जी वाले, हाँ समोसे जी हाँ भजिए चाय, कुछ जी पिकनिक स्पॉट पर पॉपकॉर्न यस बेर यस मिलती यस है, हाँ हाँ तो क्या लोगों को अपने घरों से निकलकर इन लोगों से सामान खरीद के भी एंजॉय करना जाना चाहिए? चाहिए, असल मजा वही है। देखिए अब वो दौर नहीं रहा कि मतलब हम रेडी पे जा रहे हैं, अब लोग अलग तरीके से खाना पीना और मजा करना चाहते हैं। लेकिन इस मौसम में जब आप निकले, जैसे मैंने बताया मैं VNIT गार्डन के पास या कॉलेज के पास जा रहा हूँ, तो वहाँ यही सारी चीजें हैं, आप रेडी से लीजिए। वहाँ जो मजा, जो पब्लिक खड़ी है, और जो आपको रास्ते का मंजर है, और जो और पब्लिक आपको दिख रही है, उनके व्यूज आपको मिलेंगे, और वो मजा आएगा जो आपने बचपन में एंजॉय किया था। अब लोग वो चीजें नहीं कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि मॉल्स में जाएं और अच्छे अच्छे ब्रांड्स के साथ उनके मजे लें। लेकिन जो सड़क वाला मजा है, जो फुटपाथ वाला मजा है, वो आपको कभी नहीं मिलेगा।
और हो सकता है कि अभी चलते माहौल जो है ये चीजें और आगे खत्म हो जाए। तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज जाएं और सर्दी का मजा जो रास्ते पे गर्म चाय पीने का, गर्म पकौड़े खाने का या मूंग वड़ी खाने का मजा है वो आपको खत्म नहीं मिलेगा। रिक्वेस्ट है सभी से आपके चैनल के माध्यम से कि सभी लोग जाएं और इसको एंजॉय करें। अच्छा, मैं रिजवान सर के पास वापस आऊंगा, बस पहले कुछ नाम ले लूं। अजमत मिर्जा के अलावा उमर शेख, सलीम गोशा वाले, मेहताब मलिक, अबूजर, उमर शेख हमारे जुड़ चुके हैं, शाहनवाज खान, कुछ लोग सवाल कर रहे हैं टेम्परेचर कितना है। तो व्यूअर्स मैं आपको बता दूं, 20 से 22 डिग्री के बीच में अभी टेम्परेचर है। हम जहां पर हैं यहां पे 20 से 22 डिग्री का टेम्परेचर चल रहा है अभी। और इसके अलावा आपके अगर कोई सवाल हो तो आप हमसे कर सकते हैं। और हमारा एक आपसे रिक्वेस्ट ये है कि जो नए व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो इस लाइव वीडियो को हर ग्रुप में, हर पेज पर शेयर करें। बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हम आपके लिए लाए हैं उत्तर नागपुर के वनदेवी चौक, जिसे यशोधरा नगर के पास कह सकते हैं आप, ईटा भट्टा चौक कह सकते हैं। और अभी जो हम हैं वो हैं होटल अल रहमान के एकदम टॉप फ्लोर पर। जी हाँ व्यूअर्स, होटल अल रहमान के एकदम टॉप फ्लोर से हम ये लाइव वीडियो के खूबसूरत नज़ारे आपके लिए लेकर आए हैं। तो व्यूअर्स, आपने सुना अभी सैयद रिजवान साहब, जो कि एक पेशे से आर्किटेक्ट है और काफी सक्सेसफुल आर्किटेक्ट है, तो इनसे आपने सुना मौसम के बारे में। और हम भी लगातार ये कोशिश कर रहे हैं आपको महाराष्ट्र के अलग अलग एरिए के जो भी मौसम के हाल है वो बताएं, और जितना इंजॉयमेंट घर बैठे हम आपको दे सकते हैं उतनी पूरी हम कोशिश आपसे कर रहे हैं कि हम आपको वो इंजॉयमेंट दिला सके। तो व्यूअर्स, हमारी एक छोटी सी कोशिश है, अगर हमारी ये कोशिश आपको अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को हर ग्रुप में, हर पेज पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और स्टार्स देकर आप हमारी हौसला अफजाई को बढ़ा सकते हैं। तो वाहिद शेख हमारे साथ जुड़े हैं, मेरा अंदाज सही रहा? जी जी वाहिद शेख साहब, मैंने आपको कहा था ना, आपने सही पकड़े करके। मोहम्मद शहजाद हमारे साथ जुड़े हैं, वालेकुम अस्सलाम। तेलंगाना, तेलंगाना कागज नगर से, ओहो शहजाद साहब आप क्रिकेट मैच के बाद अब जुड़ रहे हैं हमारे साथ, क्रिकेट मैच के लाइव कमेंट्री में लगातार मोहम्मद शहजाद साहब हमारे साथ जुड़ते रहे हैं। बहुत दिनों के बाद आप हमारे साथ जुड़े हैं, तो आप तेलंगाना के हर ग्रुप में इस लाइव वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। और अब जो है शाहनवाज खान, दिल्ली 11 है टेम्परेचर, दिल्ली में 11 डिग्री टेम्परेचर है, ओहो बताइए व्यूअर्स, यहाँ 20 डिग्री में हम इतनी ठंडी महसूस कर रहे हैं तो दिल्ली में कितनी ज्यादा ठंडी होगी। शाहनवाज खान साहब हर ग्रुप में दिल्ली के शेयर कर दे NNTV के इस लाइव वीडियो को, और अगर जो नए व्यूअर्स ने पेज को फॉलो नहीं किया है बहुत मजा आने वाला है पूरा ठंडी, तो आप हमारे NNTV के पेज को फॉलो कर ले, जरूर जरूर फॉलो कर ले, यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और अब है आपसे विदा लेने का वक्त, बने रहे NNTV के साथ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।